आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे? नाइन में पढ़ रहे थे। फिर क्या हुआ? हमने सारे एग्जाम के मतलब पेपर दिए, उसके बाद बीच में लॉकडाउन भी लग गया तो वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने बोला कि तुम, जब हमें एट का था तो उसमें लॉकडाउन लग गया था, तो हम, फिर मैंने बोला कि तुम अब नाइन्थ में हो गए। फिर जब हमने नाइन्थ का पेपर दिया उसमें हमारे दो पेपर छूट गए थे, लॉकडाउन फिर से आ गया था, फिर हमने पेपर नहीं दिया। मैम ने फिर आगे मतलब कुछ पढ़ाया उढ़ाया नहीं। उसके बाद मैम से हमारा मैम ने हमें फ़ोन किया मुझे, मैम ने बोला कि तुम नाइन्थ में हो, लेकिन मैम फिर मैं फेल हो गई। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम फेल नहीं हुई हो, तुम टेंथ का ही पढ़ाई करो। मैं नाइन्थ में हूँ या फिर टेंथ में हूँ, मुझे कन्फ्यूज ही करती थी। मैंने मैम से एक बार बहुत फोन किया, मैंने बोला कि मैम मैं नाइन्थ में टेंथ में हूँ, बेटा तुम नाइन्थ में फेल हो गई हो। फिर मैंने बोला कि मैम फिर मैं टेंथ क्लास में नहीं पढ़ पाऊँगी। मैंने कहा तुम जब ओपन का फॉर्म भरोगी तो तुम्हारा टेंथ क्लास में एडमिशन होगा। हम कहते तो हमारे एप्लीकेशन में लिखवाया गया था। क्या एप्लीकेशन लिखवाया गया था? कि आपके बच्चे एनआरसीओ में डाली गई है, मेरे पापा से एप्लीकेशन लिखवाया गया था। और मेरे सेक्शन में जो जो बच्चे के जीरो मार्क्स आते थे वो सब पास हो गए, जो हमें इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आते थे फिर भी हम फेल हो गए। तो आपके सेक्शन में कितने बच्चे थे? मतलब हम नाइन्थ क्लास में 52 के 52 फेल कर दिए स्कूल ने। क्या नाम क्या आपका और आपका क्या नाम है? और आपका? और आपका? और आपका? तो अभी आपको क्या कहा जा रहा है? NOIS में चले जाओ। NOIS में तो नहीं जाना चाहिए, यही पढ़ना चाहिए। घर पे करेंगे तो वो तो हमने पहले से भी नहीं किया, हम तो स्कूल में जाके पढ़ाई और एग्जाम दोनों दिए हैं। पर वही नहीं पढ़ाई भी मैम बोल रही कि ओपन का फॉर्म हमारे वैसे ही बर्बाद हो गई। हां उस ऑनलाइन जब आप पूरा पेपर तो हुआ नहीं, उस दो पेपर छूट गया, बाकी चार पेपर हमने दिया था फिर भी फेल कर दिया। ऊपर से दो पेपर अभी भी हमने 28 जून तक दिया है तो फिर भी हमें फिर वही पेपर दूसरी लड़कियों ने दिया तो वे पास हो गई, हम ही फेल हो गए। ए सेक्शन फेल हो गई, बाकी सारे सेक्शन पास हो गए। पता नहीं मैम तो आप लोग क्या चाहते हो? पास होना चाहते हो ना? तो एक तो मेरी सलाह आप लोगों को ये है कि आप प्लीज़ स्कूल मत छोड़ो किसी भी कीमत पर। मतलब NOIS NIOS होता है ना, NOIS ओपन स्कूल के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना। और आपको, आपके साथ ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको वो ओपन स्कूल में भेज दो, ठीक है? ये मेरी सलाह है आप लोगों को। हाँ तो फिर भी हम क्लास कर रहे हैं, क्लास चल रहा है, फिर भी हम क्लास कर रहे हैं। मैंने बोला कि तुम्हें पेरेंट्स को मतलब नदी साई को बुला जाएगा ट्यूटर में, तो वहाँ पे तुम ओपन का फॉर्म भरेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स के बाद तुम क्लास में जाओगे। नहीं तो आप पेरेंट्स को बोलो ना ओपन का फॉर्म मत भरो, ओपन का फॉर्म भरे तो आपको स्कूल से निकाल देंगे यहाँ से, तो आप तो ओपन में चले जाओगे, तो यहाँ से तो गई आपकी गाड़ी। ऐसा चाहते हो? तो ये तो बदमाशी करते हैं, जितने भी कमज़ोर बच्चे इनके हिसाब से हैं उन सब बच्चों को ये कोशिश करते हैं स्कूल से निकालते हैं। ये हमारी ये सेक्शन थी जो निष्ठा थी। और फिर हमें प्रतिभा में भेजा गया, बाकी सब तस्वीर है तो प्रतिभा में भेजा गया, तो प्रतिभा वाली मैम हमें फेल कर दी। वो सोच रही कि निष्ठा के बच्चे हैं तो फेल कर दो, ये हमारे साथ अगर जब फिर पास हो जाएगी तो फिर हमारे बच्चे के साथ मिल जाएंगे, तो मैम ने हमें लगता है जानबूझ कर फेल कर दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस मुद्दे को, आपके ना आप मुझे बता रहे हो, इस मुद्दे को हम उठाते हैं है? और स्कूल को लिखेंगे कि आपको जो है इनको प्रमोट किया जाए सबको दसवीं के अंदर है, कोई वजह नहीं है। और या आप एक बार और सारे बच्चों का दोबारा से एग्ज़ाम ले लो, ये भी कह सकते हैं। हाँ, 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 हाँ। फ्रेश एक बार री एग्ज़ामिनेशन ले लो। री एग्ज़ाम तो हमारी हो गई है। नहीं वो तो दो पेपर की हुई है ना, कि उसके बाद फिर हुई है एक बार तीन पेपर दिए, उसके बाद पेपर नहीं हुआ, फिर उसके बाद दो पेपर हुए बचे हुए, उसी में से री एग्जाम फिर से दो पेपर की हो चुकी है। ऐसा तो नहीं हुआ जब फेल डिक्लेयर कर दिया आपको उसके बाद फिर पेपर हुए आपके सारे सारे सब्जेक्ट के अंदर? साइंस और मैथ में फेल थी तो उसमें मैंने फिर से री एग्जाम दिया उसका, मतलब मैंने दिया, फिर भी बोल रहे हैं कि फेल हो।
मैंने नहीं, हम इसको उठाते हैं, लेकिन इसमें ना दो बातें दिमाग में रखने की जरूरत है। एक तो स्कूल नहीं छोड़ना, दूसरा ये कि अगर हम दसवीं में प्रमोट नहीं भी हो पाते तो हमें नाइन्थ रिपीट करनी है, ऐसा सही नहीं रहेगा। मतलब मन, मैं समझ रहा हूँ सर पे दिमाग, दिल में काफ़ी भारीपन सा महसूस कर रहे हो आप, हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ है नहीं ना, नहीं तो गाड़ी रेल से, रेल की लाइन से उतर जाओगे, और एक बार उतर गए तो फिर वो बस ओपन ही ओपन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ स्कूल में हो, आपके दोस्त हैं, एक सिस्टम है, वो सब छूट जाएगा आपका। घर में बैठे रहोगे, कोई पढ़ाने वाला भी नहीं, ट्यूशनों में भागते रहो इधर उधर, तो और फिर ये कोई गारंटी नहीं है कि दसवीं में आप पास ही हो जाओगे, और अगर पास हो भी गए और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ये आपको ग्यारहवीं में दाखिला नहीं देंगे, तो आप भारी बाहर हो गए ना, तो इसलिए उसका लालच मत करो। अगर नाइन रिपीट करनी पड़े तो कर लेना, लेकिन अभी हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को जो है ये एक बार फिर से एक चांस दें, एक बार और चांस दें, जो भी है प्लस माइनस, और या बिना चांस के आप लोगों को प्रमोट करें दसवीं के, क्योंकि सारे के सारे बच्चे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके टैग लगा दिए कि आप सारे जो है नलायक बच्चे हो, पूरी क्लास ही नलायक बच्चे की है, और इसलिए आप, तो फिर तो ये होगा कि अगले साल फिर आपको नाइन में फेल कर देंगे, है ना, ये शंका है ना दिमाग में, तो इसको नहीं, इसको टेकअप करते हैं। और आप एक ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप पे बना लेते हो आप वो सारे बच्चे जितने भी हैं ना, 54 के 54, कोशिश करो उसके ऊपर ग्रुप पे लाओ, ठीक है, और इसको टेकअप कर दो बेटर है। और आप एक कागज़ लेके, कागज़ लेके अपना नाम और अपना मोबाइल लेके सब लोग मुझे दे दो, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, वही बात शुरू करी थी कि जो डरा, ठीक है ना, बिल्कुल कुछ नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं करता, मेरे संपर्क से आपका कोई फायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता। और किसी में कोई नुकसान करने की सोचेगा भी ना तो मेरा नाम आने के बाद आपको पंगा नहीं लेगा, समझ लो, एक मजबूत आदमी आपके साथ है, ये समझ लो। हाँ, और तुम्हारी मम्मी तो तुमसे भी ज़्यादा डरती है।